देखिए, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक बंधन के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत संयोजक बंधन, जिसका दूसरा नाम आयनिक बंधन है। क्यों नाम पड़ा इसका आयनिक बंधन, पूरे एग्जाम्पल के एक्सप्लेनेशन के बाद, पूरे उदाहरण के व्याख्या के बाद आप सभी स्टूडेंट को एक समान अच्छे से समझ में आएगा। इसको इसका परिभाषा भी सुनाने से पहले हम एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, तब परिभाषा आपको सुनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि परिभाषा का निर्माण हुआ कैसे। एक यौगिक है AlF3। AlF3 एक यौगिक है जिसके निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। AlF3 एल्युमिनियम का परमाणु संख्या सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 13। 2, 8, 3 आज के क्लास का मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको कम से कम इतना आना चाहिए तो आप इस क्लास में पढ़ने के लायक। जैसे एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, तो 2, 8, 3, 9, 10 से ही इतना जानते हैं आप लोग, और क्लोरीन 9, 2, 7, तो इसके बाह्यतम कक्ष में 3 है और इसके बाह्यतम कक्ष में। तो प्रत्येक एल्युमिनियम अपने साथ जब भी आएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लाएगा, और फ्लोरीन अपने साथ 7 इलेक्ट्रॉन लाएगा। ऐसा ऐसा फ्लोरीन AlF3 में कुल कितना है दिखाई दे रहा है आप लोगों को, टोटल फ्लोरीन परमाणु की संख्या कुल कितनी है, 3 है। तो 3 फ्लोरीन परमाणु आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, प्रत्येक के पास बाह्यतम कक्ष में 7 है। आपको बताना चाहेंगे कि एक नियम है अष्टक नियम, जो ये कहता है कि किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो अस्थाई होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो अस्थाई होता है। अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में अगर 8 नहीं है, वो साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन त्याग करके ग्रहण करके वो भी अगर 8 पूरा कर ले बाह्यतम कक्ष में, तो वो भी अस्थाई हो जाता है। तो ये ऑक्टेट रूल है जो लेविस और कोसिल नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, जीएल लेविस एंड कोसिल के द्वारा ये ऑक्टेट रूल जो दिया गया है, इसके अनुसार किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रहने पर वो अस्थायी होता है, और जिसका 8 नहीं होता है वो भी त्याग या ग्रहण करके 8 पूरा कर ले तो अस्थायी तत्व में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां देखा जाए एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 2, 8, 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये त्याग कर दे तो 2, 8 हो जाएगा, अगर ये एक 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 केवल ग्रहण कर ले तो 2, 8 हो जाएगा। तो यहां पर ये अपना तीनों इलेक्ट्रॉन का त्याग करने जा रहा है, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन को 3 अलग अलग फ्लोरीन को देने जा रहा है। देने से क्या हुआ, एल्युमिनियम के ऊपर 3 धनावेश विकसित हो गया, और फ्लोरीन के ऊपर, प्रत्येक फ्लोरीन के ऊपर एक एक ऋण आवेश विकसित हो गया, एक एक ऋण आवेश, क्योंकि इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से एल्युमिनियम से इसने ग्रहण किया है। बाहर से एक एक इलेक्ट्रॉन ये देखिए आया है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये कौन दिया है, एल्युमिनियम, इसलिए एल्युमिनियम पर 3 धनावेश और हर फ्लोरीन पर एक एक ऋण आवेश है। तो अब यही से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए इसने 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 3+ आया इस पर, इस प्रत्येक फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और तीनों पर एक एक ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, और ये पूरा मॉडल AlF3 का है। अब हम हमारा विद्युत संयोजक बंधन का परिभाषा दिया हुआ समझ सकते हैं कि कैसे ये परिभाषा लिखवाया गया है या बना है। देखिए, सबसे पहले एक चीज बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आप सभी स्टूडेंट कभी बचपन में चुंबक को सटा कर रखे होंगे, तो इस तरह से चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अगर चिपका होगा और बड़ा बड़ा अगर मैग्नेट रखे होंगे तो काफी बल से उसको खींचने पर अलग होता है। तो कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जैसे आकर्षित करता है एक दूसरे को, वैसे ही
यहाँ प्लस माइनस को और माइनस प्लस को आकर्षित करने लगता है, और ये एक एल्युमिनियम तीन फ्लोरीन से और तीन फ्लोरीन एक एल्युमिनियम से बहुत मजबूती से बंध जाता है। इससे पहले कोई लगाव नहीं था एल्युमिनियम का फ्लोरीन से और फ्लोरीन का एल्युमिनियम से कोई लगाव नहीं, लेकिन अब आप चाह कर भी इससे अलग नहीं कर सकते एक दूसरे को, क्योंकि एक पर धनावेश है तो एक पर ऋणावेश है, और वो उतनी ही मजबूती से आकर्षण बल से बंधा है जैसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव चिपका कर रखते हैं तो बहुत बल लगता है अलग करने में। तो यहां विद्युत संयोजक बंधन का परिभाषा, वह विद्युतीय आकर्षण बल, जो भी परिभाषा सामने अब दिखेगा एग्जाम्पल में, वह विद्युतीय आकर्षण बल जो विद्युत धनात्मक तत्व से विद्युत ऋणात्मक तत्व पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप निर्मित हुए आयनों को बांध कर रखता है या बांधता है, विद्युत संयोजक बंधन कहलाता है। फिर से, वह विद्युतीय आकर्षण बल जो विद्युत धनात्मक तत्व से विद्युत ऋणात्मक तत्व पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप निर्मित हुए आयनों को, ये धनायन है और ये ऋणायन, निर्मित हुए आयनों को बांध कर रखता है, विद्युत संयोजक बंधन कहलाता है। इसका नाम आयनिक बंधन क्यों पड़ा? क्योंकि वास्तव में ये जो आकर्षण बल है, ये जो विद्युतीय आकर्षण बल है, किसको बांध कर रखता है? दो आयन को, और दो आयन के बीच ये क्रियाशील होता है, इसलिए इसका नाम आयनिक बंधन है। तो आयनिक बंधन वैसा बंधन है जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के फलस्वरूप निर्मित हुए आयनों को बांधता है, आयनिक बंधन कहलाता है। यानी यहां पर यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धनावेश होता है, ग्रहण करता है तो ऋणावेश होता है, और ये आकर्षण के कारण एक दूसरे से बंध कर रह जाते हैं। इस विद्युत संयोजक बंधन को थोड़ा और एक दो एग्जाम्पल से आप लोग समझो तो पूरा बात समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर टू देखा जाए, थोड़ा बड़ा बड़ा एग्जाम्पल, N2O3 एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है जी? 13 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3, ऑक्सीजन 8, 2, 6। यहां देखिए प्रत्येक एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा? जितना बाह्यतम कक्ष में होता है वही आता है, बट पर ध्यान दिया जाए, बात मत करिए, ध्यान दीजिए बट पर, डिस्टर्ब हो रहा है क्लास। ऑक्सीजन टोटल संख्या में कितना है? तीनों ऑक्सीजन बारी बारी से अपना अपना 6 इलेक्ट्रॉन लेकर उपस्थित है, देख लीजिए शुरू हो रहा है। अब आपको अपने से भी कुछ समझ में आएगा अगर ध्यान दीजिएगा तो, इसको कितना त्याग करना है? 3। इसको कितना ग्रहण करना है? 2, क्योंकि अष्टक पूरा करना है तो 2 दे दिया, 2 इसको भी दे दिया, बच गया ये। तो ये दोनों एल्युमिनियम दोनों मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इस तरह से जो आप समझे वो लिखवाने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और प्रत्येक ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2-2 ग्रहण किया। देख सकते हैं ये आया हुआ इलेक्ट्रॉन है, कहां से आया हुआ? लंदन से कि अमेरिका से? एल्युमिनियम से। मतलब आप ध्यान दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि एल्युमिनियम के द्वारा त्याग किया है इलेक्ट्रॉन, और यहां पर 2-2 ऋण आवेश इस बात का प्रूफ है कि इसने बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। यहाँ 2 धनायन 3 ऋणायन से और 3 ऋणायन 2 धनायन से हमेशा के लिए बंध कर रह गया। अब आइए एक तीसरा एग्जाम्पल जो और ज्यादा आपका माइंड फ्रेश करेगा।
Mg3N2 बताया जाए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन 2 तो इसके बाह्यतम कक्ष में और इसके बाह्यतम कक्ष में जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है वही भाग लेता है तो कितना मैग्नीशियम है टोटल कितना नाइट्रोजन तीनों मैग्नीशियम बारी बारी से अपना दो दो इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा कहां से पता चल रहा है दो इलेक्ट्रॉन यहां से और कितना मैग्नीशियम है यहां से टोटल मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया अब आना बाकी है किसको नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 5 और टोटल नाइट्रोजन तो यहां पर हर एक बात अच्छे से क्लियर करते हुए समझते हुए चलिए बहुत मजा आएगा समझने में टोटल इसको कितना लॉस करना है 2 और इसको चाहिए तो जॉब चाहिए 3 है क्षमता कि अकेले 3 दे दे तो यहाँ पर ये और इससे एक ले लेगा उसी तरह से ये दोनों मिलकर इसको देगा तब जाके पूरा होगा और इस तरह से आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि यहाँ मैग्नीशियम पर 2 धनावेश विकसित होगा हाँ बोलिए दो धनावेश विकसित हो रहा है और यहां नाइट्रोजन पर प्रत्येक नाइट्रोजन के पास अपना 5 इलेक्ट्रॉन है अपना 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 बाहरी इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया ये 3 बाहरी इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम से आया हुआ तो एक एक नाइट्रोजन पर ऋणावेश विकसित हुआ आपको बता दें कि केमिस्ट्री की दुनिया में इसको लेविस बिंदु संरचना बोलते हैं लेविस बिंदु संरचना के नाम से ये जाना जाता है इस सभी संरचना को संक्षेप में भी बनाया जा सकता है और कैसे संक्षेप में बनाया जाता है यही से सीखना प्रारंभ कीजिए अगर आपके पास उतना नॉलेज है हर बात समझ रहे हैं तो लीजिए संक्षेप में कितना मैग्नीशियम है Mg प्लस 3 तो लिखेंगे 3Mg प्लस प्लस और कितना नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन बनाने के बाद आप सभी स्टूडेंट जरूर चेक करेंगे क्या चेक करेंगे आवेश यहां से आवेश चेक कीजिए तिंदुनी 6 प्लस यहां से द्वितीया जितना प्लस उतना माइनस होना चाहिए और एक पर जितना आवेश दिखाई दे रहा है वही यहां रहेगा ये नहीं कि यहां पर 6 प्लस दे दिए एक मैग्नीशियम लिख के तो पता चला कि 3 मैग्नीशियम है तो 18 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ जाएगा तो 2 प्लस का मतलब 2 एक मैग्नीशियम लॉस किया और ऐसे सब मैग्नीशियम कितना है 3 आइए अगर समझ में आया तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखवाइए आगे 2 लिखाएगा समझ में आ रहा है और उसके बाद 3 ओ यहां पर ये अपना और इस पर कितना ऋण आवेश अभी नहीं कि सबका छप गिन के एक ही बार माइनस 6 लिख दिया तो 36 18 हो जाएगा आगे 3 भी है समझना है ध्यान से एकदम चलिए अब देखते हैं 2 और मॉलिक्यूल जिससे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा एग्जाम्पल नंबर 4 छोटा छोटा मॉलिक्यूल देखते हैं MgO Mg का अभी तुरंत देखे हैं 12 और 12 के अनुसार और ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने साथ 6 और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अकेले ग्रहण कर लेगा कौन ग्रहण करेगा तो Mg प्लस प्लस हो गया और O पर माइनस समझ में आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 5 K2S K का बताया जाए 2 8
आठ एक, सल्फर 16, बोलिए। तो इसके माध्यम कक्ष में एक है, यानी एक पोटेशियम इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाहेगा, और सल्फर को अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, कितना चाहिए, दो, दोनों मिलकर इसको दे देगा, तो के प्लस, के प्लस, और सल्फर दो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये सब आया हुआ इलेक्ट्रॉन है सल्फर का। तो इस तरह से लगभग पांच लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखने के बाद अब आप डिफिनेशन सुनेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। वह विद्युतीय आकर्षण बल जो विद्युत धनात्मक तत्व से विद्युत ऋणात्मक तत्व पर, विद्युत धनात्मक तत्व से विद्युत ऋणात्मक तत्व पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप निर्मित हुए आयनों को बांध कर रखता है, विद्युत संयोजक बंधन कहलाता है। विद्युत संयोजक बंधन को आयनिक बंधन भी कहते हैं। विद्युत संयोजक बंधन बनाने की तीन चार शर्तें हैं। पहला कि विद्युत धनायन जो धनात्मक तत्व है उसका आकार बड़ा होना चाहिए ताकि जल्दी से लॉस करे, और जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है उसका आकार छोटा होना चाहिए ताकि जल्दी से ग्रहण करे। और जिन दो तत्वों के बीच विद्युत संयोजक बंधन बनता है उनके बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर काफी अधिक होना चाहिए ताकि एक जल्दी से लॉस करे और एक जल्दी से ग्रहण करे। विद्युत संयोजक बंधन बनाने का एक शर्त और भी है कि जो विद्युत धनात्मक तत्व है उसके आयनन विभव का मान निम्न होना चाहिए। अब ये आयनन विभव क्या है, ये आगे की क्लास में पूरा डिटेल में आयनन विभव समझाया जाएगा। आयनन विभव का मान निम्न होना चाहिए विद्युत धनात्मक तत्व का, और विद्युत ऋणात्मक तत्व के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता का मान उच्च होना चाहिए। तो ये था आपका आज का क्लास विद्युत